तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं एक तीन स्प्रिंग से चलने वाली एक पर्पेचुअल मोशन मशीन बनाई है मैंने ही अपने दूसरे चैनल पे, जिसका नाम है मिस्टर इलेक्ट्रॉन ऑल्टरनेटर। और यही वीडियो इंग्लिश फॉर्म में उस चैनल पे पड़ी है, 2 दिन पहले डाली थी मैंने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस मशीन के फ्लाई व्हील पे मैंने एक जनरेटर लगा रखा है और हाथ में कैमरा लेकर मैं इसे हर एंगल से दिखा रहा हूँ कि मैंने कहीं भी कोई भी वायर नहीं लगाया है किसी भी पाइप के आसपास कहीं भी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 स्प्रिंग्स का क्लोज़अप आप लोग देख सकते हैं। और ये मेरी पुरानी ही मशीन है जिसमें 2 स्प्रिंग्स लगाए थे मेरे पास। बहुत सारे लोगों की डिमांड्स आई थी और ये भी बोलना था उनका कि मैंने जो नंबर ऑफ़ स्प्रिंग्स लगाई हैं पुरानी मशीन पे वो 2 थी, जिसकी वजह से पुरानी मशीन नहीं चल पा रही थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप 3 स्प्रिंग्स लगा के देखिए। कुछ लोगों ने कहा बड़ी और स्ट्रॉन्गर स्प्रिंग्स लगा के देखिए, और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि 2 की जगह सिर्फ 1 स्प्रिंग लगा के देखिए। और कई सारे कमेंट्स, हाँ, एक चीज़ को और भी लेकर आए थे कि फ्लाई व्हील ना थोड़ा सा शेकी होना चाहिए, लाइक एक साइड पे वेट ज़्यादा होना चाहिए, एक साइड पे कम, जिसकी वजह से वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से चलता जाएगा, इम्प्रॉपर वेट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हालांकि ये वाला जो सेटअप है मैंने 2 स्प्रिंग्स को ही बहुत ही आसानी से मॉडिफाई करके 3 स्प्रिंग्स में बना दिया है। और क्लोज़अप में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये काम कर रहा है, हर एंगल से मैंने आप लोगों को दिखाया है इसको, आप लोगों ने देखा होगा। और मोटर के आसपास तो देख सकते हैं जो 2 तार हैं वो दोनों ही ओपन है, और मैंने इस पर कोई भी लोड नहीं कनेक्ट किया है फ़िलहाल। और यहाँ पर मैं इस मशीन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करके भी दिखा रहा हूँ आपको, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको कोई भी वायर नहीं मिलेगा, अगर वायर होता और मैं इसको खींचता तो वो ऑब्वियसली दिख जाता, लेकिन यहाँ पे कोई भी बाहर से 220 वोल्ट का वायर सॉकेट से निकाल के मैंने नहीं लगाया है। इसको मूव करने का और अलग अलग एंगल से दिखाने का यही प्रूफ है जिसकी मैं बात कर रहा था, कि इसमें कोई भी अलग से वायरिंग नहीं दी गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्श है, फ्लोर है, वो एकदम सीमेंटेड है, पक्का है। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर मैं गड्ढा खोद के मिट्टी भरने का काम नहीं कर सकता यहाँ पर, जैसा कि जो लोग दिखाते हैं ना कि टाइल्स उन्होंने लगा रखे हैं, लेकिन टाइल्स के बीच में जो गैप्स होते हैं उसमें ठीक ठाक स्पेस होता है कि एटलीस्ट एक आपका 1 mm का वायर तो 2 पीस के ऊपर एक रख के आ ही जाए, और उसके ऊपर उसको मड से कवर कर दें, जैसा कि मैंने एक दो वीडियोज़ में देखा है मिस्टर कवर की, तो वहाँ पे वो छुपाया जा सकता है। तो अब यहाँ पे इसको काफ़ी अलग अलग एंगल से देख लिया, अब आगे देखते हैं कि ये बनती कैसे मशीन। साथ में ये भी जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट फेक है कि नहीं है, और अगर फेक है तो कैसे है, और अगर सही है तो कैसे है, प्लस इसका क्या कोई फ्यूचर में यूज़ है, और अगर है तो कहाँ है, और अगर किया जाता है आजकल तो कहाँ किया जाता है, और इस तरीके के प्रोजेक्ट को आज तक कोई बना क्यों नहीं पाया, जो आजकल वीडियोज़ में लोग घर पे बैठ के बना बना के दिखा रहे हैं कि उनके पास फ्री इलेक्ट्रिसिटी है जिससे वो जो चाहे चला सकते हैं और उनका कोई भी बिजली का खर्चा नहीं आने वाला है। तो इसकी सच्चाई एंड एवरीथिंग का पता करते हैं आगे। तो दोस्तों, कंस्ट्रक्शन पार्ट शुरू हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने स्प्रिंग का इस्तेमाल किया है और उसके साइज़ को मेजर करके एंगल का पीस काट रहा हूँ एंगल ग्राइंडर की मदद से। और आपने देखा कि मैं यहाँ पे इसको वी शेप में काट रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसे बेंड करके 90 डिग्रीज़ पे लेके आना है एंगल को। और आपको बताऊँ मैं कि जब मैंने इस पीस को तैयार किया बेंड कर करके, तो मुझे ये कूलर के फ्रेम के जैसा लगा, जो पुराने लोहे के कूलर हुआ करते थे। तो मैंने सोचा मैंने इसको क्यों ही काट के बनाया, पुराने मेरे पास फ्रेम 2-3 पड़े हुए थे जो किसी काम के नहीं, जंग खा रहे थे, मुझे लगा कि मैं वही इस्तेमाल कर सकता था। बेकार में मैंने ठीक ठाक एंगल को काटा भी, टाइम भी वेस्ट हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं चारों फॉर्म्स में उसको काट रहा हूँ, और सबको ही मैंने वी शेप में काटा है। फ़िलहाल सिर्फ इसकी डिज़ाइनिंग हो रही है, क्योंकि जो आपको मैंने स्टार्टिंग में स्प्रिंग दिखाई है वो स्प्रिंग जो है इस फ्रेम के ऊपर माउंट होगी, और स्प्रिंग का फॉर्मेट कुछ और ऐसा होगा माउंट होने का कि 3 स्प्रिंग्स माउंट होंगी और हर स्प्रिंग अपने अगले स्प्रिंग से 120 डिग्री के एंगल पर होगी। टोटल 3 स्प्रिंग्स होंगी और तीनों एंगल्स मिलके 360 पहुँचेगा, और ये बहुत ज़रूरी है, इक्वल एंगल और सब सेपरेशन, ताकि आपकी मशीन सही से अपने आप को प्रेजेंट कर पाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा पीस अलग था, तो मैंने फ्रेम तो बना लिया, जो एक्स्ट्रा रह गया है उसको भी मैं ग्राइंडर से काट के आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पे, उसकी ज़रूरत नहीं है। और
इसके बाद ये मेरा पीस कट गया। तो इस चीज़ की जो तीन स्प्रिंग वाला जनरेटर है, इसकी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया काफ़ी डिमांड आ रही थी, इसी वजह से मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाया, वरना मेरा कोई ऐसा आइडिया नहीं था तो बनाना पड़ा मुझे, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी पिछली दो स्प्रिंग की वीडियो से कन्विंस्ड ही नहीं थे। उनका कहना था कि नंबर ऑफ स्प्रिंग्स बहुत कम है, तो इन दैट केस मैंने वो किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं एक ट्रेडमिल मोटर लेके आया हूँ, और क्योंकि ये एक परमानेंट मैग्नेट मोटर है तो ये परमानेंट मैग्नेट जनरेटर डीसी जनरेटर का भी काम करेगा, और इससे बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं 100 वॉट्स का 220 वोल्ट्स का बल्ब जल गया है। हालांकि ये इसकी फुल ब्राइटनेस नहीं है, और अभी यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये इसकी फुल ब्राइटनेस क्यों नहीं है। इसलिए क्योंकि जब इसको मैंने रन किया तो इसका टोटल आउटपुट जनरेटेड वोल्टेज, मतलब ये टोटल नहीं है, ये हैंड रोटेशन की पावर से जो आया वो 109 वोल्ट्स डीसी था। हैंड रोटेशन से आरपीएम इंक्रीज़ करते हैं, यानी स्पीड अगर इंक्रीज़ करते हैं तो ये वोल्टेज मेरा जनरेशन में ज़्यादा भी जा सकता है। तो अब यहाँ मैं दिखा रहा हूँ कि कहाँ पर इस जनरेटर को मुझे प्लांट करना है इस मशीन पे। आपने देखा यहाँ पे कि ये इनिशियली जो, मतलब पहले जो मशीन थी वो टू स्प्रिंग्स के फॉर्म में बनी थी, और उसके ऊपर मैं ड्रिल करके जनरेटर को माउंट कर रहा हूँ। हालांकि ये जो लोहा है ये काफ़ी पुराना लोहा था, इसमें छेद करने में ना लोहे में हाल ख़राब हो गई, बहुत आफत आ गई थी, तो कई सारे अटेम्प्ट्स के बाद इसमें हुआ था होल। अब देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर जो है हमारा ट्रेडमिल मोटर ने उसको माउंट कर दिया है, और ये ग्रीन बेल्ट मैं इसके ऊपर फिट कर दे रहा हूँ, और ये सेटअप मेरा तैयार हो गया है। ये पार्ट यहाँ तक आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है जो कूलर के जैसा फ्रेम है लोहे का, उसको फिक्स करने की, और उसका फिक्स करना एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे होना चाहिए जहाँ पे, क्योंकि जो मेरा पुराना वाला फ्रेम है उस पे एक स्प्रिंग पहले से ही लगी थी, तो उसके अलाइनमेंट के हिसाब में आना चाहिए। तो अब यहाँ पर बाकी का आप लोग देख रहे हैं, मैं साइड बाय साइड आप लोगों को ये बता देता हूँ अब कि इस प्रोजेक्ट का एक्चुअल में क्या काम हो सकता है। अब सबसे पहली बात यह है कि जो फ्लाई व्हील मशीन्स हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, फ्लाई व्हील्स आपके बहुत ही हाई स्पीड पे चार्ज हो जाते हैं, एक तरह का कैपेसिटर, जैसे आपका फ़ैन कंडेंसर होता है वैसे ही आपका इलेक्ट्रोलिटिक या आपका सुपर कैपेसिटर्स होते हैं, डीसी कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चार्ज स्टोर करते हैं। तो जिस तरीके से वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कैपेसिटर्स चार्ज स्टोर करते हैं, वैसे ही ये फ्लाई व्हील जो है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चार्ज स्टोर करता है, जिसकी वजह से कभी अगर पावर आउटेज होता है तो काइनेटिक एनर्जी हमारी फौरन ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है कनेक्टेड जनरेटर की मदद से। क्योंकि जो मेरा जो मतलब जो फ्लाई व्हील होता है इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, इस मशीन की तरह इन मशीन्स में जो लगा होता है फ्लाई व्हील, वो जो है उसमें जनरेटर लगे होते हैं बेल्ट के थ्रू। तो अगर कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है इलेक्ट्रिसिटी आउटेज की, तो ड्राइविंग मोटर जो होता है फ्लाई व्हील का वो भला ही बंद हो जाए, लेकिन फ्लाई व्हील थोड़ी देर तक के, मतलब थोड़ा टाइम लेता है अपना स्पीड को कम करने में, उतना टाइम बहुत होता है इंडस्ट्रीज़ को रन करने में, और कई जगहों पर ज़्यादा पावर आउटेज ज़्यादा देर के लिए नहीं होती। तो उतने टाइम को अगर कवर करना है, अगर शॉर्ट ड्यूरेशन का पावर आउटेज है, तो उसके लिए फ्लाई व्हील जनरेटर्स बेस्ट होते हैं, ख़ासकर तब अगर आपका लोड बहुत ज़्यादा है। अगर आपका लोड कम है तो इन्वर्टर्स आपके आराम से काम कर जाएंगे। इसमें क्या है ना, जिस तरीके से आपका इन्वर्टर है वो ऑटोमेटिकली स्विच कर जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल पावर आउटेज हुआ तो इन्वर्टर ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, आपकी लाइट्स ज़्यादा से ज़्यादा ब्लिंक कर सकती हैं, बट अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि आपको इन्वर्टर का जाके कोई स्विच ऑन करना है तो वो काम करे, वो डायरेक्टली ही काम करने लगता है। सेम यही चीज़ है, बल्कि इससे ज़्यादा स्मूथ है फ्लाई व्हील जनरेटर के केस में। तो फ्लाई व्हील से एक बार घूम गए, उसके बाद आपका पावर आउटेज हो या जो भी हो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, वो झेले जाएगा। डिपेंड करता है कितना बड़ा सेटअप है आपका, जितना बड़ा सेटअप होगा उतने ही देर तक के आपकी मशीन्स चलेंगी। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं, टेस्टिंग टाइम स्टार्ट हो गया है, बाकी बातें हो गई। यहाँ पे देख सकते हैं मैं धीरे से मैंने नीचे कुछ किया। अब ये क्या है ना, मैंने नीचे इसमें बैटरी लगा रखी है,
और मैंने एक बूस्ट कन्वर्टर भी लगाया हुआ है। तो ये बैटरी एंड बूस्ट कन्वर्टर ही है जो इस ट्रेडमिल डीसी मोटर को रन करेगा, और अल्टीमेटली ये जो ट्रेडमिल मोटर है ये फाइनली इस फ्लाई व्हील को रन करेगा। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं कि ये मैंने धक्का दिया, चलाया और फिर ये नहीं चला, ये दिखाना है कि ये कितना फेक है। और इस तरीके का कंटेंट लोग डाल रहे हैं दिखाते हुए, लेकिन साथ में रियलिटी कोई नहीं दिखाता है, सब छुपाते चले जाते हैं। टोटल फेक है बिल्कुल, इसमें एक पैसा भी नहीं लगाने वाला है, देख के ही समझ जाइए। अब यहाँ पे मैं बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ, देखिएगा स्टार्ट होगा फ्लाई व्हील, ये आपका स्टार्ट हो गया, मैंने फ्लाई व्हील कुछ हुआ भी नहीं। यहाँ पे मैं तार ही लगा रहा हूँ नीचे, मैंने और कुछ भी नहीं किया है, टोटल फेक है। और क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जो ये मोटर और जनरेटर है ये जो है 220 वोल्ट का है, और क्योंकि मैंने यहाँ पे आसपास आपको चारों तरफ दिखाया कि कहीं मैंने कोई तार दिया नहीं है, तो मैं इसको ड्राइव कैसे कर रहा हूँ। अगर मैंने तार दिया होता तो मैं ज़्यादा वोल्टेज का यानी होम सॉकेट सप्लाई से देता, कम से कम 100 वोल्ट या 200 वोल्ट। खैर, ये काम मैं वोल्टेज रेगुलेटर की मदद से करता, लेकिन क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो है तो इसका मतलब ये बैटरी पे चल रहा है, क्योंकि बैटरी इसके वोल्टेज अमूमन मतलब ज़्यादातर कम ही होते हैं। हालांकि आपको बताऊँ मैंने कितना वोल्टेज दिया है इसको, मोटर को 35 वोल्ट्स मैंने इसको दिया है। अब बैटरी मेरे पास 35 वोल्ट्स की नहीं थी, तो मैंने 16 वोल्ट्स की बैटरी पैक मैंने बनाया लिथियम आयन बैटरी से, और उसके बाद उसी बैटरी पैक को बूस्ट कर दिया उसके वोल्टेज को बूस्ट कन्वर्टर की मदद से, और उसके थ्रू मैंने इसको मोटर को ड्राइव किया, क्योंकि 220 वोल्ट्स का मोटर ना एक बैटरी से बहुत ही कम स्पीड पे चलता, तो ये करना बहुत ज़रूरी था। वीडियो इज़ टोटल फेक, इसके लिए बिल्कुल मत जाइएगा। मैंने यही चीज़ इंग्लिश चैनल पर भी बताई है, लेकिन बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए कि पूरा वीडियो देखें। लोग स्टार्टिंग का 30 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स देख के जजमेंट देते कमेंट पे, और उनका जजमेंट नहीं सही होता है, तो वीडियो फेक है, मुझे यही बताना था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय।